आप देख सकते हैं कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं, कोई कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं है। इंजन ऑफ, स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हुंडई एलेंट्रा के बारे में। तो ये कार है हुंडई एलेंट्रा ऑटोमेटिक वर्जन, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का इंजन ओवरऑल। बेसिकली इस कार में जो प्रॉब्लम है वो है 1800 किलोमीटर चलने के बाद में ये कार लगभग 1 से 1.5 लीटर इंजन ऑयल कंज्यूम कर देती है, यानी कि उसको कम कर देती है, वन कर देती है। इस तरीके से प्रॉब्लम है इस कार के अंदर, और पीछे से व्हाइट स्मोक भी आता है। तो इस कार में टर्बो चार्जर इंजन, हमने इसके टर्बो चार्जर को भी डायरेक्ट करके हटा करके एक तरीके से चेक कर लिया। तो जो मेनली जो प्रॉब्लम है इसका, टर्बो चार्जर बिल्कुल ऑल ओके है, कैसे भी कहीं कोई टर्बो चार्जर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल भी लीकेज नहीं है टर्बो चार्जर। लेकिन इसके इंजन के अंदर जो बैक कंप्रेसर है उसकी वजह से इसके रिंगों का टेम्पर वगैरह है वो खराब हो चुका है, क्योंकि ये कार एक बार ऑलरेडी पहले हीट हो चुकी है, जिसकी वजह से ओवर हीट होने की वजह से इसके रिंगों का टेम्पर होता है वो खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में होता है क्या, रिंगों में टेंशनर होता है वो खत्म होने की वजह से रिंगों में जो कंप्रेसर जनरेट होता है वो नहीं हो पाता है, और जो ऑयल कंज्यूम की प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं इस कार का इंजन ओवरऑल। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इसके इंजन को फिटिंग करेंगे, और जो जो पार्ट हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं वो सारी चीजें हम आपको विजिबल करेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पार्ट हमने इसमें रिप्लेस किया है और क्या क्या पार्ट आपको इसमें इंजन ओवरऑल के टाइम पे रिप्लेस करने होते हैं, और किस तरीके से हमने कुछ टॉपिक भी लिए हुए हैं जैसे कि इंजन टाइमिंग वगैरह, सिलेंडर हेड, वाल्व, पिस्टन रिंग, ये आपको किस तरीके से फिटिंग करनी होती है, टाइमिंग वगैरह किस तरीके से, किस पोजीशन पे, किस मार्क पे आपको टाइमिंग चेन इंस्टॉल करनी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में आपको शो कराई हुई हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है हुंडई एलेंट्रा 1.6 लीटर डीजल इंजन। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार के जो इंजन था और क्रैंकशाफ्ट है और इसके कुछ पार्ट्स वगैरह, इनको अभी हमने अच्छे से क्लीन करके इसको वॉश करके लेके आए हुए हैं, और अभी हम इसको एयर प्रेशर से क्लीन करेंगे और फिर फिटिंग करेंगे हम इस कार के इंजन को। ओके, तो इस जगह पर अभी हम इसमें ऑयल सेपरेटर वगैरह, बाकी के जो भी पार्ट्स हैं, इन सभी को फिटिंग करेंगे, और जो ऑयल कंज्यूम की प्रॉब्लम थी उसको दिखाएंगे आपको किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर। तो करते हैं इसको पूरा कंप्लीटली फिटिंग। और यहाँ पर हमने इसमें ऑयल वगैरह इस पर लगाया हुआ, जैसे कि ये जंग वगैरह ना पकड़े पानी की वजह से। तो अभी हमने इस कार का जो इंजन था कंप्लीटली अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, उसको हमने एयर प्रेशर वगैरह लगा करके भी क्लीन कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप था वो था इसमें मेन बेयरिंग फिटिंग करने का। तो इस जगह पर हमने ये है इसके न्यू मेन बेयरिंग, जो कि इस जगह पर हमने फिटिंग कर दी है। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मेन बेयरिंग आपको फिटिंग करनी है। तो थर्ड नंबर जो मेन बेयरिंग होता है, या साइड में इसमें कुछ थर्स वाशल होते हैं जो कि इस तरीके से आपको लगाना होता है। तो टोटल आपको जो है मेन बेयरिंग वो आपको 5 पीस लगाने होते हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो एक नंबर जो स्टार्ट है वो है इसके टाइमिंग वाली साइड से, और यहाँ पर सेकंड स्टेप आपको फिटिंग करने होते हैं इसके ऑयल सेपरेटर, यानी कि ऑयल जेट। तो ये जो काम करते हैं, ये करते हैं पिस्टन के साइड में लुब्रिकेशन करने का। तो ये सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लीन करके चेक करना होता है, इनमें ऑयल की जो लाइनिंग है वो ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। तो ये पार्ट आपको फिटिंग करने होते हैं इस जगह पर, यानी कि इसको फिटिंग करने के लिए आपको इस बोल्ट का यूज़ करना होता है। तो ये बोल्ट है जो कि इसको ब्रैकेट करता है, इसको टाइट करने का काम करता है। तो इस ऑयल सेपरेटर की साइड में यहाँ पर आपको इस बोल्ट को लगा करके इसको टाइट करेंगे अभी हम। तो ये टोटल 4 पीस होते हैं, पर सिलेंडर पर एक जेट लगाया जाता है। तो ये टोटल 4 पीस हैं, इनको भी हम इस जगह फिटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसकी इस जगह पर लुब्रिकेशन करने के बाद इसकी ये क्रैंकशाफ्ट। ओके, और क्रैंकशाफ्ट के बाद हम फिटिंग करेंगे इसके ये कुछ बिग मेन वायरिंग जो कि हैं ये क्रैंक केस कैप के। ओके, तो इन सभी पार्टों को फिटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको उसका जो ऑयल जेट है यहाँ पर फिटिंग करना होता है, तो उसको फिटिंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो अभी मैं चारों पीस इसमें लगा देते हैं। तो सिलेंडर नंबर 1 का जो ऑयल जेट है वो इस जगह पर है, सिलेंडर नंबर 2 का जो जेट है वो इस जगह पर है, सिलेंडर नंबर 3 का जो जेट है वो इस जगह पर है, और जो 4 नंबर सिलेंडर का जेट है वो इस जगह पर है। ओके, तो हमने जो ऑयल जो बेसिकली ये कार जो कंज्यूम कर रही थी, सबसे बड़ा जो मेन रीजन था इसका, वो रीजन था इसका इस जगह पर, क्योंकि इसका जो सिलेंडर बोर था वो एक तरीके से काफ़ी ओवर हो चुका था, उसमें ओवल्टी आ चुकी थी। तो उसमें ओवल्टी आ चुकी थी, उसकी वजह से ये जो कार थी ये ऑयल कंज्यूम कर रही थी। तो अभी हमने क्या किया, इसको दोबारा से नई तरीके से रीहोनिंग करके इसके बोर को लिया हुआ है, और इसके जो मेन वेंग वगैरह है इनको रिप्लेस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसके पिस्टन रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इसके पिस्टन रिंग का जो टेम्पर था वो भी ख़त्म हो चुका था, यानी कि जो टेंशनर जो होना चाहिए रिंग के अंदर वो भी ख़राब हो गया था, उसकी वजह से भी इसके रिंगों में इतनी टेंशन नहीं थी। तो वो कार में कंप्रेसर जनरेट होना चाहिए, जो एक ऑयल रिंग का जो काम होता है लुब्रिकेशन करने का या उस ऑयल की खपत को बचाने का, वो काम नहीं कर पा रही थी। उस कंडीशन में हम इसकी रिंग वगैरह भी इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, और अभी हम इसमें ये कुछ पार्ट्स होते हैं इंजन के जो कि हम ओवरऑलिंग के सिस्टम पे इसमें रिप्लेस करने होते हैं। तो यहाँ पर हम मेन वायरिंग वगैरह ये सारे पार्ट इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो इनको टाइट कर देते हैं अच्छे से, और इसको टाइट करने के बाद अब करेंगे हम इसके ऊपर लुब्रिकेशन और फिटिंग करेंगे हम इसकी क्रैंकशाफ्ट।
तो यहाँ पर अभी इसमें मेन बेयरिंग पर हमने लुब्रिकेशन किया हुआ है पांचों पीस पर, और यह है इसकी क्रैंकशाफ्ट, तो इसको अभी हमने अच्छे से क्लीन किया हुआ है। अच्छे से हमने इसके एक एक जो होल्स आपको देख रहे हैं इनको क्लीन करना होता है, जिससे कि कोई भी अगर होल शॉक होगा तो क्रैंकशाफ्ट जो है वो सीज हो सकती है या इसके मेन बेयरिंग जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो फिटिंग करते हैं इस क्रैंकशाफ्ट को इस ब्लॉक के ऊपर। तो जो आगे वाली साइड का पोजिशन है वो इस जगह पर है, पीछे की साइड यानी कि यह है इसका फ्लेबल साइड, ओके। तो अभी हमने इसको अच्छे से लुब्रिकेशन कर दिया और इसके ऊपर लगाते हैं इसके बाकी के मेन वायरिंग और इसके प्लेट यानी कि इसके क्रैंकेस कैप। तो इस जगह पर अभी हमने KRTV ट्यूब यानी ये एमसील ब्रांड का लगाया हुआ है पूरे ब्लॉक पर, और अभी हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं इसका ये क्रैंकेस कैप। तो ये है इसका क्रैंकेस कैप और इस जगह पर हमने इसके सभी मेन वायरिंग लगा दिए हैं, तो उसको फिटिंग करेंगे हम इस ब्लॉक के ऊपर। तो लगा देते हैं इसको, तो ये इस तरीके से आपको लगाना होता है। और यहाँ पर अभी हमने इसको लुब्रिकेशन करके फिटिंग करना है इसको अच्छे से, ओके। तो इन जगह पर हम लगाएंगे इसके मेन बोल्ट और बाकी के साइड में हम इसके कुछ बोल्ट लगाएंगे जो कि उतने 12 mm के। तो जो बीच में आपको बोल्ट लगाना होता है वो कुछ साइज का होता है, और जो साइड में जो बोल्ट आता है ये आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज का ये बोल्ट है। तो ये एक छोटा बोल्ट भी है, इसकी थ्रेड है वो भी काफ़ी अलग है, और ये अलग साइज़ का बोल्ट होता है। तो ये आपको डिफरेंट साइज़ के बोल्ट आपको यहाँ पर चेक करके लगाने होते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी जो क्रैंकशाफ्ट के जितने ही बोल्ट थे सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है, और अभी हम इसको रोटेट करके चेक कर रहे हैं तो क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल फ्री है। और पीछे की साइड में रियर साइड में हमने यहाँ पर फिटिंग कर दी है इसकी रियर मेन सील, जो कि हमने रिप्लेस की हुई है। ये यहाँ पर नई मेन सील यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है, और अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं इसके पिस्टन रिंग और सिलेंडर पिस्टन। तो ये है इसके सिलेंडर पिस्टन और एक कनेक्टिंग रॉड, और इस यहाँ पर हम इसमें फिटिंग करेंगे इसके न्यू पिस्टन रिंग। तो यहाँ पर अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं ये इसके पिस्टन रिंग, जो कि हम फिटिंग करेंगे इसके सिलेंडर पिस्टन पर, और ये है इसका सिलेंडर ब्लॉक। तो जो ऑयल कंज्यूम हो रहा था बेसिकली वो हो रहा था इस पिस्टन रिंग के टेम्पर्ड की वजह से, तो ये होती है इसकी ऑयल रिंग। तो इसका जो गैप है वो आपको चेक करना होता है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें जो मिनिमम गैप है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से होना चाहिए, ओके। और अभी हम डालेंगे इसमें टॉप रिंग। तो ये है इसकी कंप्रेसर रिंग, तो ये कंप्रेसर रिंग आपको इस तरीके से लगा करके इसके सिलेंडर बोर्ड में चेक करनी होती है। लगाओ, जो गैप एकदम ओके है, कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम फिटिंग करेंगे ये पिस्टन रिंग इस सिलेंडर पिस्टन के ऊपर, ओके। यहाँ पर जो पिस्टन रिंग है ये आपको इस तरीके से फिटिंग करनी होती है। सबसे पहले आपको ये इसकी स्प्रिंग है इसको नीचे की साइड फिटिंग करना होता है इस तरीके से, ओके। तो हमने जो स्प्रिंग का कट है वो इस साइड लिया हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो हमें ऑयल रिंग लगाएंगे उसका कट हम इसके अपोजिट साइड लेंगे। और ऑयल रिंग के ऊपर जो आपको यहाँ पर चेक करना होता है कैसा भी कोई मार्क वगैरह तो नहीं, अगर रहता है तो वो आपको टॉप साइड में लेना होता है। तो ये इस तरीके से आपको उसकी ऑयल रिंग फिटिंग करनी होती है, ओके। और आपको इसको रोटेट करके चेक करना होता है, बिल्कुल फ्री तरीके से घूमनी चाहिए रिंग, बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम फिटिंग करेंगे यहाँ पर इसकी कंप्रेसर रिंग। तो कंप्रेसर रिंग फिटिंग करने से पहले आपको देखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पिस्टन रिंग पर ये मेंशन किया हुआ है इसका पार्ट नंबर और कंपनी की ब्रांडिंग और टॉप की ब्रांडिंग, और इसके ऊपर एक छोटा सा ही कट दिया हुआ है। तो ये कट वाला जो एरिया है ये आपको ऊपर की साइड रखना होता है, ओके। तो फिटिंग करेंगे इस पिस्टन रिंग को इस तरीके से, इस तरीके से आपको इसकी पिस्टन रिंग फिटिंग करनी होती है। तो सेकंड नंबर जो रिंग है वो भी हमने फिटिंग कर दी है इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें थर्ड नंबर पिस्टन रिंग जो टॉप रिंग है उसको फिटिंग करेंगे। तो इस पर भी आपको देखना होगा, यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग और टॉप की ब्रांडिंग, तो ये टॉप की ब्रांडिंग यहाँ पर मेंशन की हुई है और जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो भी मेंशन की हुई है, तो उसको भी यहाँ फिटिंग कर देते हैं। तरीके से तो जिस तरीके से हमने तीन रिंग इसमें फिटिंग की है, ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग और टॉप रिंग, इन तीनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अच्छे से फ्री तरीके से घूमनी चाहिए रिंग। और इसी स्टेप से हम बाकी के सिलेंडर पिस्टन पर भी पिस्टन रिंग जो है वो फिटिंग करेंगे। और हमने आपको सिलेंडर बोर में भी चेक करा दिया है, जो कि गैप है बिल्कुल ओके है, कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गैप ओवर हो जाता तो उसकी वजह से जो कार है वो ऑयल कंज्यूम करेगी और लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, साथ साथ वाइट स्मोक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर वो थी ऑयल कंज्यूम की, तो वो थी इसमें पिस्टन रिंग की प्रॉब्लम।
क्योंकि हम इसमें नए रिप्लेस कर रहे हैं और साथ ही हमने इसके पिस्टन वगैरह सबको क्लीन करके और बोर को रीओनिंग करके लिया हुआ है, तो करते हैं फिटिंग। तो फाइनल फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी पिस्टनिंग सभी पिस्टनों पर फिटिंग कर दिया है और यहाँ पर अभी हम इसके सिलेंडर पिस्टन फिटिंग करने वाले हैं। तो आपको जो बीच वाली रिंग है इसका कट आपको इसके लेफ्ट साइड रखना है और जो इस साइड जो कट पिस्टन रिंग है ऑल रिंग और टॉप रिंग इनका कट आपको इसके राइट साइड रखना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑल रिंग का कट है वो इस तरीके से रखना होता है और जो टॉप रिंग है उसका कट आपको इस तरीके से रखना होता है। ओके, और ये वाला जो एरिया है इस जगह पर आपको दोनों पिस्टन रिंग का कट मैच करना होता है और इस साइड वाली जो रिंग है इसका एरिया यहाँ पर मैच करना होता है, क्योंकि इस जगह से यहाँ तक जो एरिया है ये कंप्रेसर बीक वाला एरिया होता है, इस जगह पर काफ़ी लुब्रिकेशन रहता है पिस्टन पर। और जो डॉट है इसको आपको ऊपर की साइड रखना है। तो मेनली जो मेन पॉइंट है ऑल रिंग का जो कट है वो आपको ऑल सेपरेटर, मैं आपको दूसरे पिस्टन की जगह चेक करा रहा हूँ, इस जगह पर ये इसमें सामने ऑल जेट दिया हुआ है, यानी कि ऑल रिंग का कट कभी भी आपको इसमें मेन लाइन के सामने नहीं रखना है, मेन लाइन से आपको अपोजिट साइड रखना होता है ऑल रिंग का कट। तो ऑल रिंग का कट अगर आप इसको अपोजिट साइड रखेंगे तो गाड़ी कभी भी ऑयल कंज्यूम नहीं करेगी और अच्छी तरीके से रन करती रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस तरीके से आपको इसका पिस्टन रिंग जो है सेट करना है और यही सेम स्टेप से अभी हमने पिस्टन फिटिंग किया हुआ है इसकी भी रिंग को सेट करके। ये है सिलेंडर नंबर वन और इसको रखना होता है हमें इस डॉट को ब्लैक वाले को टाइमिंग की साइड में। तो उसको फिटिंग करते हैं और ये है इसका स्पेशल टूल। तो इस स्पेशल टूल की हेल्प से अभी हम इसके रिंग को क्लिप करेंगे और क्लिप करने के बाद इसके पिस्टन को फिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपको चेक करना होता है पिस्टन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तो पिस्टन बिल्कुल फ्री है। ओके, अब इसको हम एक हैमर की हेल्प से इसको अंदर पुश कर देते हैं पिस्टन को। तो जैसे जैसे आप इसे इधर से पुश करते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पर नोटिस करना है इस तरीके से पिस्टन जो है अच्छे से क्रैंक शाफ्ट फिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पिस्टन है अच्छे से फिक्स हो चुका है और अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसका क्रैंक कैप, यानी कि इसके बिगिन बेयरिंग का कैप जो पिस्टन का कैप होता है कनेक्टिंग रॉड के लिए, उस पर आपको लुब्रिकेशन करना होता है और लुब्रिकेशन करने के बाद आपको ये इस तरीके से फिट। तो यहाँ पर आपको लुब्रिकेशन करना होता है, लुब्रिकेशन के बाद आपको चेक करना होता है ये छोटा सा डॉट दिया हुआ है इसके ऊपर, इस डॉट को आपको इस डॉट से ही मैच करके ही फिटिंग करना होगा। तो ये इस तरीके से ही हम इसको लगा देते हैं और लगा देते हैं इसके दोनों बोल्ट। तो इस तरीके से अभी हमने इसको लगा दिया, इसका बोल्ट लगा देते हैं और सेम इसी स्टेप से हमने इस वाले कैप को भी लगाया हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसके बोल्ट लगा देते हैं और इनको टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद यहाँ पर आपको प्ले होती है इस तरीके की, ये प्ले आपको चेक करनी होती है। तो प्ले बिल्कुल होनी चाहिए, अगर प्ले नहीं होगी तो ये बिगिन बेयरिंग है, यानी कि इसका जो अंदर कैप के अंदर जो पीस हमने न्यू चेंज किया है वो पीस इसमें सीज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम इसके दोनों बोल्टों को लगा करके एक बार ये प्ले चेक करेंगे और रोटेट करके चेक करेंगे, इंजन को फ्री रन होना चाहिए, कहीं इंजन में हार्ड बर्न नहीं होना चाहिए। तो करते हैं इसके बाद अब नेक्स्ट पिस्टन फिटिंग, जो कि है सिलेंडर नंबर 2 और सिलेंडर नंबर 3। तो फाइनल फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर चारों पिस्टन फिटिंग कर दी और आप देख सकते हैं हम इंजन को रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करने पर कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथली रन कर रहा है इंजन। ये देखिए चारों पिस्टन एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंजन जो है बिल्कुल ओके है। ओके, तो इस समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इंजन के अंदर, एकदम अच्छे से ट्रबल कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे हम इसका सिलेंडर हेड और कुछ इस साइड हम इस फिटिंग करेंगे इसके ऑयल पंप वगैरह और बाकी के इस साइड फिटिंग करेंगे हम इसके ऑयल पंप वगैरह। ओके, तो करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। तो इस साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इसका सिलेंडर हेड और यहाँ पर हमने रिप्लेस करके लिए हुए हैं इसके सिलेंडर हेड वाल्व वगैरह और कुछ अंदर की साइड यहाँ फिटिंग होती है इसके वाल्व सील, तो वो सारी चीज़ें हमने रिप्लेस की हैं। तो ये साइड फिटिंग है इसके सिलेंडर हेड वाल्व, जहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू ब्रांड हमने इसमें वाल्व फिटिंग किए हुए हैं और वाल्व सील वगैरह हमने इसमें चेंज कराई हुई है। और पीछे बैक साइड में आपको पलट करके एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस साइड देख सकते हैं, ये है साइड इसका सिलेंडर हेड फेस। तो यहाँ पर जो वाल्व हैं ये हमने रिप्लेस करके लिए हुए हैं। तो इस साइड जो वाल्व हैं ये हैं इसके इंटेक वाल्व और ये हैं इसके एग्जॉस्ट वाल्व। तो जो इंटेक वाल्व है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है। तो ये सारे वाल्व हमने इसमें रिप्लेस कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने इसके सिलेंडर हेड को भी फेस करके लिया हुआ है, क्योंकि इसका कुछ जगह से जो हेड का फेस था वो आउट था, जो कि हमने इसको अच्छे से कट लगा करके फेस कराया हुआ है। ओके, लेकिन हमने इसका सिलेंडर ब्लॉक था इसको फेस नहीं किया है, ओनली हमने इसके सिलेंडर हेड को ही फेस किया है। तो इसके ऊपर हम न्यू हेड गैस्केट फिटिंग करेंगे और उसके बाद फिटिंग करेंगे उसका सिलेंडर हेड और फिर टाइमिंग कवर वगैरह और बताएंगे आपको उसका इंजन टाइमिंग वगैरह। तो वीडियो देखते रहिए, करते हैं इसके बाकी की फिटिंग। तो इस साइड भी बिल्कुल प्ले वगैरह सब कुछ ओके है। ओके, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और मैं आपको रोटेट करके चेक करा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ओके है। तो ये प्ले बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है।
तो ये है इसकी न्यू सिलेंडर हेड गैस्केट। तो इस गैस्केट को हम जो माउंट करेंगे वो इस जगह पर और इस जगह पर, और यहाँ पर आपको साथ में देखना होता है एक चीज़ जो कि है इसका ऑयल लेवल का मेन होल। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह पर हमने इस तरीके से इसको फिक्स किया हुआ है, और जो इसका मेन होल है ऑयल का वो इस जगह पर है। तो ये आपको यहाँ पर इसको मैच करके देखना होता है। ओके, और अभी हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसका सिलेंडर हेड। तो कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे इसके ऊपर हम सिलेंडर हेड फिटिंग। तो ये साइड है इसका सिलेंडर हेड। ओके, तो हमने इसको अच्छे से क्लीन करके लिया हुआ, बिल्कुल एकदम क्लीन है, वैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको इस तरीके से फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस न्यू हेड गैस्केट से इसको फिटिंग किया हुआ है, और इसके ऊपर हम रख देते हैं ये सिलेंडर हेड गैस्केट के ऊपर ये इसका सिलेंडर हेड। तो ये आपको इस तरीके से माउंट करना होता है। तो जो सिलेंडर हेड है ये एकदम परफेक्टली फिटिंग हो चुका है, और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसके सभी बोल्टों को। तो जो बोल्ट की लोकेशन है वो इस जगह पर है। तो टोटल आपको उसमें 10 बोल्ट लगाने होते हैं, 5 बोल्ट आपको इस साइड और 5 बोल्ट आपको। तो ये है इस कार के सिलेंडर हेड के कुछ बोल्ट। तो ये इसकी जो लेंथ है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है कुछ इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं हम इसके सभी बोल्टों को। ओके, तो सभी बोल्टों को मिला करके अभी टाइट करेंगे, और फिर मिलाएंगे हम आगे की साइड इसका ऊपर की साइड फिटिंग करेंगे इसके टैपेट रॉकर और इसकी एग्जॉस्ट और इंटेक कैमशाफ्ट। वो किस तरीके से फिटिंग करेंगे, तो इस साइड फिटिंग करेंगे इसका इंटेक मैनिफोल्ड, ऑल फिल्टर असेंबली वगैरह, और इस साइड हम यहाँ फिटिंग करेंगे इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और वो टर्बो चार्जर हॉर्स पाइप वगैरह, और आगे की साइड फिटिंग करेंगे हम इसका टाइमिंग किट वगैरह, जो भी इसमें टाइमिंग चेन गाइड चेन और चेन एडजस्ट वगैरह होते हैं, टाइमिंग गियर स्पॉकेट। तो यहाँ पर अभी हमने इसके सभी हेड के बोल्टों को टाइट कर दिया, और इसकी जो हेड की जो यहाँ पर कैमशाफ्ट की लोकेशन है इस जगह पर हमने लोकेशन कर दिया है सब जगह पर, और अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं ये इसके रॉकर आर्म। तो इनको अभी सबसे पहले हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हम इसको डीजल से क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद लुब्रिकेशन करके फिटिंग करेंगे चेक करके सिलेंडर हेड पर। तो जो लोकेशन है वो इस जगह पर है, यहाँ पर ये एक सिलेंडर पर यहाँ आपको 4 रॉकर फिटिंग करने होते हैं, और ये है इसकी कैमशाफ्ट। तो इनको भी अभी हम क्लीन करके फिटिंग करेंगे। ओके, तो पहले अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ये है इसके रॉकर आर्म, और अभी हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, और यहाँ पर हम लुब्रिकेशन करके इसके ऊपर फिटिंग कर रहे हैं इसके रॉकर आर्म इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर एक सिलेंडर पे आपको 4 रॉकर आर्म फिटिंग करने, तो 2 इंटेक साइड और 2 एग्जॉस्ट साइड में, और सिलेंडर नंबर 2 पर भी 4 और सिलेंडर नंबर 3 और सिलेंडर नंबर 4, तो यानी कि टोटल आपको इसमें 16 पीस फिटिंग करने होते हैं। तो उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है, पिस्टन जो है दबा करके बिल्कुल परफेक्टली, कहीं कोई प्ले वगैरह नहीं होनी चाहिए या ओवर नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से आप इसको दबा करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें जंप होनी चाहिए, तो ये जंप होनी चाहिए, और ये इस तरीके से बात काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। तो यहाँ पर अभी हम इनके सभी रॉकर आर्म को लगा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हमने इसके जो रॉकर आर्म थे वो फिटिंग कर दिए, और इस जगह पर अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इसकी एग्जॉस्ट और इंटेक कैमशाफ्ट। तो जो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है वो इस तरीके से है, और जो इंटेक कैमशाफ्ट है वो इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में ये है इसकी एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट। तो यहाँ पर फिटिंग होता है इसका कैम सेंसर, जो कि इस जगह से ये NSV ले इसका जो सिग्नल लेता है नॉर्थ एंड साउथ होल, और ये है इसकी इंटेक कैमशाफ्ट। ओके, तो ये इस तरीके से फिटिंग होती है। यहाँ पर ये इसमें दिए हुए 2 टाइमिंग मार्क, इस जगह पर आपको जब टाइमिंग फिटिंग करनी होती है उस टाइम पर आपको ये मार्क मैच करने होते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे इसके कैप। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस जगह पर इसके जो रॉकर आर्म थे और कैम साफ्ट थी ये दोनों लगा दिए, और इस जगह पर हमने ये I2, I1 ये इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, I3 और यहाँ पर आएगा I4। तो जो कि ये बेसिकली एक नंबर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और I का मतलब है इंटेक साइड, यानी कि ये है इंटेक साइड का कैप, और ये है जैसे कि E1, E2, तो ये है E1 यानी कि एग्जॉस्ट साइड का कैप, E, Exhaust 1, Exhaust 2। तो ये आपको नंबर देख के ही कैम साफ्ट पे कैप लगाने होते हैं। तो ये ई वाले जो हैं वो एग्जॉस्ट कैम का कैम साफ्ट के लिए, जो आई वाले हैं वो हैं इंटेक वाली कैम साफ्ट के लिए। तो अभी हम यहाँ आगे की साइड फिटिंग करने वाले हैं इसकी हाई प्रेशर पंप प्लेट और इसकी जो ऑयल पंप होती है। तो बेसिकली उसको लगाने से पहले आपको यहाँ पर एक ये पैकिंग होती है, इसको माउंट करना होता है। तो इस तरीके से अभी हमने इसकी पैकिंग लगा दी है। फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी जो प्लेट थी पूरी कंप्लीट कर दी है, और इसका जो मेन अब इंजन टाइमिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों कैम साफ्ट के जो इस तरीके से मार्क दिए हुए हैं, इस तरीके से आपको उसका कैम साफ्ट का टाइमिंग मैच करना होता है, और हाई प्रेशर पंप पे एक मार्क दिया हुआ है जो कि आपको इस प्लेट पे इस तरीके से जरूर मार्क मैच करना होता है, और ये वाला चेन का मार्क आपको इस तरीके से मैच करना होता है कलर टू कलर। और कैम साफ्ट का जो टाइमिंग है वो आपको इस तरीके से TDC पोजिशन में मैच करना होगा, और जो स्लाइड है ये इस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो जो क्वार्टर पिन है वो भी आपको इस TDC पोजिशन पर लेनी होती है। तो जो क्वार्टर पिन का मार्क है ये आपको इस तरीके से TDC पोजिशन में लेना होता है कलर कोड के सामने, यहाँ पर ये कलर कोड आपको मैच करना होगा क्वार्टर पिन के लिए। और इस तरीके से आपको ये ले जा करके इसका जो मार्क है दूसरी इसी चेन का, ये आपको यहाँ टाइमिंग का और मैच करना होता है। और हाई प्रेशर पंप पर जो गियर है इसका पॉइंट आपको इस कलर कोड पे रखना होता है, और सेम वही चेन पे 2 मार्क दिए हुए हैं जो कि आपको कैम सॉफ्ट पे जाते हैं। तो कैम सॉफ्ट पे 2 पॉइंट है वो आपको यहाँ मैच करने होते हैं। इस तरीके से आप इसका इंजन टाइमिंग मैच कर सकते हैं।
तो ये है इसका कैमशाफ्ट का टाइमिंग और ये है इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग, जो कि आपको यहाँ इस एरो से इस कलर कोड पे और ये वाला इस एरो से इस कलर कोड पे। और अभी हमने इसका जो इंजन टाइमिंग है प्रॉपर मिला दिया, वो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपको उसका इंजन टाइमिंग मिलाना होता है। तो इस चेन गाइड को लगाने से पहले आपको ध्यान में रखना है ये ऊपर वाली चेन गाइड, क्योंकि वीडियो मैंने शो किया था आपको ये चेन गाइड लगाए बिना, क्योंकि वो विजिबल नहीं हो पाता था प्रॉपर मार्क, इसलिए मैंने आपको ये चेन गाइड हटा करके एक बार चेक कराया था। ओके, लेकिन अभी हमने यहाँ पर इसके दोनों बोल्ट हैं वो अंदर लगा दिए हैं और चेन गाइड को यहाँ लगा देते हैं, इसका चेन टेंशनर। तो यह है इसका चेन का टेंशनर और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस पिस्टन को आपको इस तरीके से लगाना होता है, अगर आप इसको पलट करके लगा देते हैं तो इसकी टाइमिंग चेन है वो प्रॉपर टाइट नहीं हो पाती है ऑयल प्रेशर की वजह से, लीकेज होने की वजह से, और वो फिर टाइमिंग चेन जो है वो आवाज़ करेगी। तो इस तरीके से अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा देते हैं यहाँ पर। तो उसको लगाने के बाद एक बार हम इसमें इंजन में राउंड लगा के चेक करेंगे। तो अभी हमने इसका जो चेन टेंशनर था उसको लगा दिया है और अब हम यहाँ पर इसमें इंजन में राउंड लगा के चेक कर रहे हैं इंजन में कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एकदम ईजिली मूव कर रहा है या नहीं। तो यानी कि यहाँ पर जो रोटेशन है एकदम प्यार से होना चाहिए, हार्ड पर नहीं होना चाहिए इंजन के अंदर, एकदम स्मूथली रन होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसके इंजन में राउंड लगा देते हैं तो जो टाइमिंग चेन के मार्क हैं ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये निशान आपको अब इसके लिए काफ़ी राउंड लगाने होते हैं तब उसके बाद ये चेन पे मार्क मैच हो पाता है। तो उसके लिए सिंपल सा स्टेप है कैम सॉफ्ट की दोनों जो पिन हैं यानी कि जो मार्क हैं कैम सॉफ्ट पे जो कलर कोड है येलो कलर का उसको ऊपर लेना है। ओके, और क्रैंक सॉफ्ट की जो कलर कोड है और क्वार्टर पिन है उसको आपको स्टेडी सी पोजिशन पर लेना है। इस तरीके से आप इसकी टाइमिंग को मिला सकते हैं चाहे वो चेन पर मार्क हो या ना हो, ये एक सिंपल सा स्टेप है इसका। ओके, आप हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग मिलाइए ना मिलाइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी ने इस पर मार्किंग करके दी हुई है, लेकिन जो मेनली जो इसका टाइमिंग है वो यही है। आप इसके पॉइंट को इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं और इस वाले पॉइंट को आप यहाँ रख सकते हैं और जो क्वार्टर पिन का मार्क है उसको आप यहाँ रख सकते हैं। ओके, यानी कि जो टी डी सी पोजिशन है वो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। क्वार्टर पिन और ये पॉइंट हमने टी डी सी पर लिया हुआ है और यहाँ पर जो क्वार्टर पिन है ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर टी डी सी पर आ चुकी है और जो पंप का टाइमिंग था ये देखिए पंप का टाइमिंग ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए पंप का टाइमिंग इस कार के अंदर कोई मायने नहीं रखता, मेनली जो टाइमिंग है वो है इसमें कैम सॉफ्ट का और क्रैंक सॉफ्ट का। तो वो जो टाइमिंग है वो इस तरीके से है यानी कि इस पंप के ग्रुप से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ये इस तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो इस तरीके से इसका टाइमिंग है चाहे वो चेन पे कलर कोड हो या ना हो, इस तरीके से था इसका इंजन का टाइमिंग। और हमने रोटेशन करके चेक करा दिया आपको, करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इस कार का यानी कि टाइमिंग चेन कवर था वो और इसका ऑयल पंप। तो बेसिकली इस जगह पर फिटिंग है ये इसका ऑयल पंप और अभी हमने इसको ऑयल चला करके इसको अच्छे से रन करके हमने चेक किया और एकदम परफेक्टली काम कर रहा है और इस जगह पर हमने सिलिकॉन वॉन्ट इसमें लगाया हुआ है जो कि क्लियरिटी भी वॉन्ट था और फिटिंग कर रहे हैं इसका टाइमिंग कवर लगा दो डन। ओके, इस तरीके से। ओके, तो अभी हमने इसको ऑयल लगा कर अच्छे से रन करके चेक कर लिया है और यहाँ पर अभी हम लगा देते हैं इसके सभी बोल्टों को और फिर फिटिंग करेंगे आगे की मेन पुली और मेन सील हम इसकी रिप्लेस करेंगे। तो ये है इसके टेंशनर वायरिंग, यहाँ पर अभी हम इन्हें भी चेक करेंगे, कोई वायरिंग अगर इसमें ख़राब होता तो वो रिप्लेस करना होगा। ओके, तो करते हैं इसको पूरा फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हमने कम्प्लीटली इसके जो भी बोल्ट थे ये सभी बोल्टों को लगा दिया है और ये साइड भी हमने इसके सभी बोल्टों को फिटिंग कर दिया और इस जगह पर ये थी इसकी मेन पुली जो कि यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है। तो आप अगर बिना टाइमिंग कवर खोले हुए और आप इसकी टाइमिंग को चेक करना चाहते हैं कभी भी इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है टाइमिंग सेंसर का, कोई कोड वगैरह आता है कार के अंदर, कोई डीटीसी जनरेट होता है जो कि टाइमिंग आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको इसका पूरा टाइमिंग कवर खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए कंपनी ने एक यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, वो मार्क अभी हम आपको चेक करा देते हैं किस तरीके से आप इसका टाइमिंग चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से ईजी स्टेप से बस। तो यहाँ पर आप अगर इसकी टाइमिंग को बिना कवर खोले चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सा स्टेप है ये, इस पॉइंट को आपको इस पुली पर एक कट दिया हुआ है, ये कट आप इसके सामने इस तरीके से मैच कर सकते हैं, ये सिंपल सा एक स्टेप है। यहाँ से आप बिना इसके कवर को खोले हुए आप इसकी टाइमिंग को टी डी सी पोजिशन पर यहाँ से ले सकते हैं और आगे कैम सॉफ्ट में जो दो मार्क दिए हुए हैं उसके लिए आपको टाइमिंग चेक करने के लिए इसका जो टाइमिंग टैपेट कवर है वो आपको खोलना होगा, फ्यूल इंजेक्टर आपको उसके हटाने होते हैं। उसके बाद आप यहाँ इसकी कैम सॉफ्ट है इस पर ये दो पॉइंट दिए हुए हैं येलो कलर के, ये दोनों पॉइंट आपको इस टाइमिंग चेन पर जो मार्क है इसको मैच करना होता है या फिर आप इसको जो उसके टाइमिंग चेन के टूटे हैं यानी कि जो पॉइंट है ये टोटल 6 पॉइंट होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 अगर ये यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा अंदर वाली एरिए पर या फिर इधर आ जाएगा तो वो टाइमिंग रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप इसके बिना टाइमिंग कवर को खोले हुए इसकी टाइमिंग को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा स्टेप है और अभी हम करते थे इसका ऑयल सम्प वगैरह फिटिंग और इसके ऑयल स्टेनर वगैरह। तो जो ऑयल स्टेनर है वो यहाँ पर फिटिंग होता है और जो ऑयल सम्प है वो इसकी लोकेशन इस जगह पर है।
और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसका सिलेंडर हेड कवर यानी कि इसका टैपेट कवर, और फिर हम फिटिंग करेंगे इसमें फ्यूल इंजेक्टर वगैरह, और इस साइड फिटिंग करेंगे इसके एग्जॉस्ट गैस पाइप, टर्बो चार्जर, और इस साइड फिटिंग करेंगे हम इसके इनलेट, मैनिफोल्ड और हाई प्रेशर कॉमन रेल वगैरह। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो ऑयल स्टेनर है इसको अच्छे से क्लीन करके फिटिंग कर दिया इस जगह पर, और जो बाकी का फिटिंग था वो पूरा हो गया। और ये है इसका ऑयल सम, तो उसको भी हमने अच्छे से क्लीन करके और इस पर RTV बॉन्ड लगा करके इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो उसको फिटिंग करते हैं इसके सिलेंडर ब्लॉक को। तो ये आपको कुछ इस तरीके से फिटिंग करना होता है। ऑयल स्टेनर इस तरीके से फिक्स करना होगा और लगा देते हैं इसके सभी बोल्टों को। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया है ये इसका ऑयल सम, और अभी हमने इसके इंजन को सीधा करके लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया इसकी ऑयल फिल्टर असेंबली, और इस जगह पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसका इंटेक मैनिफोल्ड। तो ये है इसका इंटेक मैनिफोल्ड, और इस साइड ये है इसके सोलर गेज, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके कुछ इंटेक मैनिफोल्ड रनर यानी कि इसके फ्लैप हैं। ओके, तो अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और इसको फिटिंग करेंगे इसके इंटेक मैनिफोल्ड को, और इस साइड फिटिंग है इसका इंटेक मैनिफोल्ड रनर कंट्रोलर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, और इस मैनिफोल्ड को पूरा क्लीन करके अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इस कार के अंदर, जो कि इस जगह पर फिटिंग होगा यानी कि इस इंजन पे। ये सभी बोर्ड खोल करके अभी हम इसके इस मैनिफोल्ड को क्लीन करके फिटिंग करेंगे इस जगह। ओके, और उसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसका सिलेंडर हेड कवर यानी कि इसका टैपेट कवर और फ्यूल इंजेक्टर। फिटिंग कर दी इसकी कॉमन रेल, और यहाँ पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसका सिलेंडर हेड कवर यानी कि इसका जो टैपेट कवर है उस पार्ट को हम फिटिंग करने वाले हैं। और पीछे की साइड हमने फिटिंग कर दी इसकी वैक्यूम पंप, और अभी हम इस साइड फिटिंग करेंगे इसका फ्लेविल वगैरह, स्टार्टर मोटर और ट्रांसमिशन। तो ये है इसका सिलेंडर हेड कवर यानी कि टैपेट कवर, तो उसको फिटिंग करेंगे अभी। ओके, और इस साइड ये है इसके फ्यूल इंजेक्टर, तो इनको भी अभी हम अच्छे से क्लीन करके इनको भी फिटिंग करेंगे इस जगह पर। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर सिलिकॉन यूज किया हुआ है बॉन्ड, जो कि हमने इस जगह पर लगाया हुआ है, और इसके ऊपर लगा देते हैं इसका सिलेंडर हेड कवर। यहाँ पर आपको इसको लगाते टाइम सबसे पहले ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको ये पैकिंग है इसको रिप्लेस करना होता है इंजन के टाइम पे, क्योंकि अगर आप इसे रिप्लेस नहीं करते हैं तो जो ऑयल की लीकेज है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये कुछ रबड़ के ओरिंग होते हैं इनको चेंज करना होता है, ये ऑल सील होती हैं जहाँ पर जो इंजेक्टर फिटिंग होता है, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी चेंज करके ले ली हैं, और अभी हम इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो उसको फिटिंग करने के लिए नीचे की साइड आपको लगाना होता है ये सिलिकॉन ट्यूब, तो इस तरीके से हमने इस साइडों में सभी जगह पर फिटिंग कर दिया है, और इसको इस तरीके से अभी हम फिटिंग करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ फिटिंग हो जाता है छोटे से पॉइंट पर। तो बेसिकली इस जगह पर कंपनी ये बॉन्ड लगा के देती है, और इसी जगह पर हमने भी यहाँ पर सिलिकॉन लगा करके यूज किया हुआ है। तो जिस तरीके से कंपनी फिटिंग करके देती है सेम वही स्टेप से अभी हम इसे फिटिंग कर रहे हैं, और अभी हम लगा देते हैं इन जगह पर सभी इसके बोल्ट। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें बोल्ट लगाएंगे, और इस जगह पर हम इसमें बोल्ट लगाएंगे। तो इन सभी बोल्टों को लगा करके इनको टाइट करके फिटिंग करते हैं इसकी बाकी के पार्ट की, और पीछे की साइड फिटिंग करेंगे हम इसका टर्बो चार्जर वगैरह। तो अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया इसका सिलेंडर हेड कवर यानी कि टैपेट कवर, और अभी हम इस जगह फिटिंग कर रहे हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर। तो यहाँ पर ये है इसका एक नंबर सिलेंडर, जो कि 1.6 लीटर फ्यूल इंजेक्टर, तो उस पर मेंशन किया हुआ है 1.6 लीटर का ये फ्यूल इंजेक्टर है, और इसके सेंसर पर भी 1.6 लीटर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी 1.6 और इस जगह भी 1.6। ओके, तो अभी हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह कुछ भी कोई सर्विस नहीं कराए हुए हैं, जैसे हैं ओल्ड यानी कि पहले के टाइम पे उसी तरीके से हम इसको फिटिंग कर रहे हैं ओनली क्लीनिंग करके, और इसको फिटिंग करके इसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसका रियर पीछे की साइड इसका ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन फिटिंग करने से पहले हम इसका पीछे फिटिंग करेंगे इसका फ्लेविल और इसका टॉक कन्वर्टर, क्योंकि ये जो कार है ये है ऑटोमेटिक वर्जन। यहाँ पर अभी हमने इसके जो फ्यूल इंजेक्टर थे वो फिटिंग कर दी है, और साइड इसका इंटेक मैनिफोल्ड फिटिंग हो चुका है, वैक्यूम पंप फिटिंग हो चुकी है, पीछे की साइड फ्लेविल फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम फिटिंग कर रहे हैं इसका एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि इसका एग्जॉस्ट टर्बो चार्जर और EGR वाल्व वगैरह। तो यहाँ पर ये है इसका EGR वाल्व, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार का जो EGR वाल्व है पहले की तरह चौक हो रखा है, क्योंकि ये देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं जो कि ऑयल कंज्यूम की प्रॉब्लम है, ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, इसके अंदर काफ़ी कार्बन के अंदर जो ऑयल है। ओके, तो ये कार पहले काफ़ी ऑयल कंज्यूम कर रही थी, तो उसकी वजह से इसका जो EGR वाल्व है वो भी काफ़ी चौक हो चुका है। तो उसको खोल करके हम अच्छे से क्लीन करके इसको फिटिंग करेंगे, और उसके साथ साथ हम इसमें टर्बो चार्जर की भी सर्विस करेंगे, उसके बाद ही हम फिटिंग करेंगे इसके EGR वाल्व को। और यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इसके इंजेक्टर के कोड इस जगह पर, इंजेक्टर 1, 2, 3, 4। तो उसको पूरा फिटिंग करने के बाद इस साइड फिटिंग करेंगे हम इसका एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन
वाल्व और साथ ही साथ टर्बो चार्जर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और यहाँ पर अभी हमने फिटिंग कर दिया है इसका, ये टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वगैरह, और अभी हम इसके एजीआर को क्लीन करके फिटिंग करेंगे। तो अभी हम इसके एजीआर को क्लीन कर रहे हैं और जब तक हम लगाते हैं इस पर फ्लाईव्हील, तो ये है इसका फ्लाईव्हील जो कि है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला फ्लाईव्हील है। तो बेसिकली इस फ्लाईव्हील में जो मैनुअल फ्लाईव्हील होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है ये, आप देख सकते हैं। मैं अगर इसे चाहूँ तो एक उंगली से भी उठा सकता हूँ, इतना लाइट वेट है ये फ्लाईव्हील। तो यहाँ पर ये जो बाहर के साथ आप ये रिंग देख रहे हैं जो कि ये फ्री स्पेस वाली रिंग है, इसको बोलते हैं हम एनएस व्हील। और ये लेता है सिग्नल क्रैंक सेंसर का, यानी कि यही सिग्नल देता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीयू को, इंजन की जो टीडीसी पोजीशन होती है यहीं से चेक होती है। ओके, और यहाँ पर ये डॉगल का होल दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम यहाँ लगाएंगे क्रैंक शाफ्ट पर और इस तरीके से हम इसे फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है इसका फ्लाईव्हील। तरीके से आपको उससे पहले लगाना होता है इसका एक बैलेंसर है, इस प्लेट को आपको इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करना होगा। ओके, तो जो टॉर्क कन्वर्टर है उसकी जो मेन पिन है, सेंटर पिन जो होती है टॉर्क कन्वर्टर की, वो यहाँ पर फिक्स होती है। तो उससे पहले आपको ये लगाना होता है फ्लाईव्हील से टॉर्क कन्वर्टर से पहले, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर इसके जो बोल्ट हैं उनको फिटिंग करना होगा। तो ये इस तरीके से होते हैं इसके ये कुछ बोल्ट। ओके, तो इन सभी बोल्टों को हम लगाएंगे इसकी लोकेशन पर, इस जगह पर। तो उसको इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये सभी बोल्टों को यहाँ पर लगा कर टाइट कर देते हैं। और अगर गलती से भी, अगर ये जो व्हील है, ये वाला व्हील अगर गलती से भी यहाँ से कहीं से बैंड हो जाएगा तो ये कार स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर स्टार्ट हो भी गई ना तो ये मिसिंग वगैरह करेगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है इस व्हील की वजह से, और टाइमिंग का कोड बार बार जनरेट होता रहेगा इसके अलावा। यहाँ पर अभी हम इसके जो बोल्ट हैं सभी बोल्टों को टाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो टूल यूज करना होता है वो करना होता है T60, यानी कि T60 का। इस तरीके से अभी हम इस टूल को लगा करके इसके सभी बोल्टों को मिला देते हैं और टाइट कर देते हैं। ओके, तो इन सभी बोल्टों को टाइट करते हैं और फिर करेंगे इसका ईजीआर फिटिंग, जो कि इस जगह पर आपको फिटिंग करना होता है। तो यहाँ पर ये हमने इसके सभी बोल्टों को टाइट कर दिया। तो ये है इसका टॉर्क कन्वर्टर। तो इसके जो बीच में सेंटर होल पे जो पिन आती है वो ये वाली आती है, ये आप देख सकते हैं टॉर्क कन्वर्टर की जो पिन है वो ये वाली पिन आती है इस सेंटर पे। और यहाँ पर ये आपको बोल्ट होते हैं इनको खोल करके, तो ये जो बोल्ट है इनको खोल करके आपको लगाना होगा। ये किस तरीके से लगेगा इसके लिए आपको ये पीछे की साइड बैक साइड आप यहाँ देख सकते हैं, इस जगह पर जगह दी हुई है, इस जगह से आप इसके सभी बोल्टों को लगा सकते हैं पीछे की बैक साइड में। और टॉर्क कन्वर्टर के जो बोल्ट हैं वो यहाँ से आप कसेंगे इसके पीछे की साइड से। ओके, तो इसे करते हैं फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हमने इसके EGR को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और अभी हम इसको पूरा कंप्लीट फिटिंग कर रहे हैं इसके इस सोलेनोइड मोटर को। ओके, और इसको फिटिंग करेंगे फिर इस कम्प्लीटली इंजन के अंदर। तो फाइनल फ्रेंड्स, अभी हमने इस इंजन को कार के अंदर फिटिंग कर दिया और साथ ही साथ हमने इसमें फिटिंग कर दी है इसके राइट साइड इसके एयर फिल्टर, इसकी बैटरी और इसके कुछ टर्बोचार्जर इंटरकूलर पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, इंजेक्टर के पाइप, इंटेक मैनिफोल्ड, इंटरकूलर वगैरह वगैरह, रेडिएटर, आगे के कंडेंसर वगैरह। ओके, सभी कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर जो भी इसकी वायरिंग हानिस थी वो भी फिटिंग कर दी, इसका ऑयल वगैरह हमने टॉपअप कर दिया और फिल्टर हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है। पीछे बैक साइड इसमें टर्बो चार्जर वगैरह सब कुछ कंप्लीटली फिटिंग हो चुका है। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने अभी इस कार को पूरा कंप्लीटली फिटिंग कर दिया है, यानी कि इस कार का जो इंजन था पूरा फिटिंग हो चुका है इसके राइट साइड माउंट से, और इसके लेफ्ट साइड में इसका जो गियरबॉक्स वगैरह था, ट्रांसमिशन था, फ्लाईव्हील लगाने के बाद हमने इसका ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन था कंप्लीटली फिटिंग कर दिया। इस साइड में फिटिंग कर दिया इसका एयर फिल्टर बॉक्स वगैरह, इस साइड हमने इसकी बैटरी वगैरह फिटिंग कर दी है, इस साइड हमने फिटिंग कर दी है इसके फ्यूल सिस्टम, यानी कि जो इसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह थे वो हमने इसके नीचे की साइड यहाँ पर फिटिंग किए हुए हैं। ये आपको हम दिखा देते हैं इस तरीके से, ये देखिए अभी हमने इस जगह पर इसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह सभी कुछ फिटिंग कर दी है। इस साइड हमने हाई प्रेशर पंप वगैरह, इसके जो भी इंटरकूलर पाइप वगैरह थे सारे कुछ फिटिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसके इंजन कवर को और अभी पूरी कार जो है कंप्लीट एक तरीके से और स्टार्ट कंडीशन पे है। तो एक बार अभी हम आपको स्टार्ट करके भी चेक कराएंगे किस तरीके से क्या साउंड वगैरह है इस कार के इंजन की। तो आप चेक करके मुझे बताइए किस तरीके से क्या साउंड लगी है, अब वो क्या परफॉर्मेंस है इसके इंजन की। तो कार को हमने पार्किंग मोड पे किया हुआ है और इस समय ये मैंने कार को स्टार्ट किया, तो डोर ओपन है, ड्राइवर डोर इसको हमने क्लोज किया, कैसी भी कार के अंदर कोई मालफंक्शन इंडिकेशन लैंप नहीं, ऊपर टोटल माइलेज आ रहा है कार का जो चली हुई है कार, जितना भी रन किया हुआ है कार के इंजन ने। ओके, तो एसी भी ऑन है कार के अंदर, हमने एसी गैस वगैरह सब कुछ टॉप अप कर दिया है, कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं है अब कार के अंदर। तो एसी को करते हैं ऑफ और एक बार मैं आप एक्सटेंशन करा के चेक कराने वाला हूँ कार को। तो फुल्ली आरपीएम भी जा रहे हैं, कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम ओके चल रही है कार। तो कार का जो इंजन एकदम फुल आरपीएम जा रहे हैं, कैसे भी कहीं की प्रॉब्लम नहीं।
ओके अब देखते हैं इंजन की साइड बाहर से कैसा क्या साउंड है इंजन का, और कोई स्मोक वगैरह तो नहीं है इंजन में, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको चेक कराएंगे। तो यहाँ पर तो इंजन है वो एकदम स्टार्ट है और एकदम आइडल कंडीशन पे है, कैसे भी कोई हंटिंग जर्किंग या वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, एकदम ऑल ओके है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके तो हमने इसका इंजन ऑल वगैरह टॉपअप वगैरह सारी कुछ कर दिया है, तो बेसिकली सेम इंजन रहता है हुंडई वरना जो वरना फ्लूटिक आती है सेम इंजन है, बाकी का जो भी हुंडई की जितने भी इंजन है हुंडई क्रेटा वगैरह सार इन सभी गाड़ियों में लगभग जो 1.6 लीटर वाला जो इंजन है वो सेम है, 1.4 लीटर वाला जो इंजन है वो भी सेम ही है। तो बेसिकली ये कुछ इंजन में डिफरेंस ही हुए, क्यूबिक कैपेसिटी इनकी ज़्यादा रहती है, तो अभी हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट फिटिंग कर दिया है। तो ये कार थी हुंडई एलेंट्रा, तो लगाते हैं इसका बोनट। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार का जो इंजन है वो पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है और जो इंजन है एकदम ऑल ओके है, और साथ ही साथ हमने इसमें क्लीन किया हुआ है इसका एग्जॉस्ट कैटलिक कन्वर्टर, क्योंकि इंजन ऑयल कंज्यूम करने की वजह से इसका जो कैटलिक था वो काफ़ी एक तरीके से चौक हो गया था, उसमें मेनली जो प्रॉब्लम थी इसमें एग्जॉस्ट गैस प्रॉपर बाहर नहीं आ रही थी, तो अभी हमने इसका जो एग्जॉस्ट जितने भी इसके एग्जॉस्ट पाइप हैं और जो कैटलिक कन्वर्टर है TPF वगैरह है वो सभी कुछ हमने अच्छे से क्लीन किया हुआ है पानी से, पानी प्रेशर से आप देख सकते हैं, और कैसा भी कहीं कोई स्मोक वगैरह नहीं है अब कार के अंदर, तो ऑल ओके है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं आपको कार के अंदर एक्सीलेटर लगा के चेक करा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं, कोई कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ऑल ओके है। और जो कार के इंजन की स्टार्टिंग है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो कार ऑफ, इंजन स्टार्ट, इंजन ऑफ स्टार्ट, ऑफ स्टार्ट, तो एकदम बटन दबाते ही तुरंत कार स्टार्ट है, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कार में हमने किया था इसका इंजन ओवरऑल, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको इसके सिलेंडर पिस्टन फिटिंग करनी चाहिए, क्या क्या पार्ट हमने इसमें रिप्लेस किया है, किस तरीके से आपको इसमें बाकी के इंजन की टाइमिंग वगैरह है वो मैच करनी होती है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, तो ये जो कार थी वो थी हुंडई एलेंट्रा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।